नाज़रीन, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में स्मार्टफोन कब ईजाद हुआ और आज ये किस शक्ल में मौजूद है। फोन बनाने वाले इदारे नोकिया ने सन 1996 में सिबर्ट कंप्यूटर मेले में कम्युनिकेटर 9000 को मुतारफ करवाया था। इस फोन को इसी साल 15 अगस्त को मार्केट में सार्फीन के लिए पेश कर दिया गया था। नोकिया के कम्युनिकेटर 9000 या 9000 के हवाले से कहा गया था कि इस फोन की वजह से अब दफ्तर जेब में आ गया है। स्मार्टफोन की इस्तलाह के मशहूरे आम होने से कबल भी नोकिया का कम्युनिकेटर 9000 एक स्मार्टफोन ही था। नोकिया के कम्युनिकेटर 9000 के बाद ब्लैकबेरी फोन साज इदारे ने भी अपना एक स्मार्टफोन मुतारफ करवाया और उसको भी खासी मकबूलियत हासिल हुई। सन 2007 में एप्पल ने अपना आईफोन आम किया और फिर दुनिया में मल्टी टच स्मार्टफोन का शोर मच गया। कम्युनिकेटर 9000 नोकिया के कम्युनिकेटर 9000 या 9000 कीबोर्ड के साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन का हामिल था। इसकी लंबाई 11.5 सेंटीमीटर या 4.5 इंच थी। ये अपनी तर्ज का पहला फोन था जिसमें कीबोर्ड, शानदार स्क्रीन के अलावा कारोबारी मामलात के हल और इंटरनेट सॉफ्टवेयर भी शामिल था। इस फोन के जरिए ईमेल लिखना आसान अमल और फैक्स करना भी मुमकिन था। गोया के एक कंप्यूटर की तमाम जुमला खूबियां एक फोन में यकजा कर दी गई थी। इतनी खूबियों की हामिल ये डिवाइस कोई भी फर्द अपनी जेब में रख सकता था। जाज़बे नजर नहीं, लेकिन इनकलाब आफरीन कम्युनिकेटर 9000 बज़ाहिर एक खूबसूरत डिवाइस नहीं थी, लेकिन इससे मुस्तकबिल की आईफोन इंडस्ट्री का सुरखेल करार दिया गया। इसकी मेमोरी 8 मेगाबाइट और प्रोसेसर 33 मेगाहर्ट्ज का हामिल था। इस फोन पर ईमेल लिखना भी मुश्किल नहीं था। वेब पेज खोलने के लिए ये कम अज कम 30 सेकंड का वक्त लेता था। हालांकि इसकी स्पीड 9.6 किलोबाइट्स की सेकंड थी। ज्यादातर अल्फाज या किसी मजमून का मतन ही स्क्रीन पर जाहिर होता था। सन 1996 में नोकिया के फोन कम्युनिकेटर 9000 की अमरीका में कीमत $800 थी। इस वक्त ये किसी हद तक मोटा और वजनी था। इस किस्म के स्मार्टफोन की मोटाई कम करने और हल्के वजन का बनाने में 1.5 से ज्यादा का अरसा लगा था। इस वक्त कम्युनिकेटर 9000 की मार्केट में कोई हैसियत नहीं, लेकिन ये एक यादगार फोन है। पुरानी अशिया की मार्केट में अब भी ये $600 में फरोख्त किया जा सकता है।